यहां लिखेंगे स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट एल्गोरिथम। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? तो इनपुट और आउटपुट का मैपिंग। इनपुट आउटपुट का मैपिंग प्रॉब्लम डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? क्या अच्छा प्रॉब्लम ऐसा है तो अगर इसको हम कर रहे हैं तो इनपुट ऐसा देंगे तो ये आउटपुट आना चाहिए। जैसे मल्टीप्लाई में क्या था, 2 × 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आना चाहिए, वो आउटपुट चेंज नहीं हो जाए। मतलब कि कुछ पर्टिकुलर इनपुट के लिए आउटपुट फिक्स है, ऐसा नहीं कि अभी ले रहे हैं एक इनपुट, अभी एक इनपुट ले रहे हैं तो आउटपुट कुछ दे रहा है, थोड़ा देर बाद ले लिए सेम इनपुट तो आउटपुट कुछ और आ गया, ये नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं मैपिंग। क्या है भाई? मैप किए ये इनपुट रहेगा तो यही आउटपुट आएगा। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन की काम करना क्या है और करेंगे तो क्या रिजल्ट, क्या आउटपुट हम लोग को मिलेगा। प्रॉब्लम पता हो गया, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या? इसके बाद है डिजाइनिंग पार्ट। क्या डिजाइन? डिजाइन एलो। डिजाइन एलो का मतलब क्या है? अभी बताया था ना डिजाइन एंड एनालिसिस, तो डिजाइन का मतलब क्या था? डिजाइन करना मतलब बनाना था एल्गो को, एल्गो बनाना नहीं था, एल्गो पहले से ही एल्गोरिथम सब्जेक्ट में है, उसमें से बेस्ट एल्गोरिथम को सिलेक्ट करना है। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर हो गया सिलेक्शन ऑफ बेस्ट एल्गोरिथम। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन आ गया, उसके बाद डिजाइनिंग पार्ट हम लोग देख लिए। क्या कि सिलेक्शन ऑफ बेस्ट एल्गोरिथम मतलब कि जो अवेलेबल एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम सब्जेक्ट में अवेलेबल है उसमें से बेस्ट कौन सा है कि हम लोग का जो भी वर्क है उसको अच्छे तरीके से करे। तो बेस्ट देखने के लिए हम लोग क्या करते थे? एनालिसिस करते थे ना। किसके अकॉर्डिंग करते थे? टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग। कम टाइम लगे, कम स्पेस लगे। तो डिजाइनिंग पार्ट में ही देखना है कि सिलेक्शन करना है केवल, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब क्या हो गया कि इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट कैसे बनता है याद करो, ऐसे रहता था टेक टू नंबर, ये यहां पर ऐसा है टेक टू नंबर, इसके बाद आया यहां लिख दिए क्या मल्टीप्लाई ए बी, ऐसे लेकर गए कहीं कहीं। मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल हो रहा है ना, पहले यहां है फिर इसके बाद यहां चलाया फिर यहां चलाया, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल ट्रांसफर बोल सकते हैं। फ्लो चार्ट प्रिपरेशन हो गया, मतलब कि फ्लो चार्ट बनाना है, लिख देते हैं फ्लो चार्ट कंस्ट्रक्शन। इसका मीनिंग क्या है? जो फ्लो ऑफ कंट्रोल ट्रांसफर,
या फिर ट्रांसफर ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल, मतलब कि किस तरीके से सीक्वेंस को यही बताएगा जो हम लोग बता रहे थे ना एल्गो को डिजाइन करने के लिए, कि एल्गो कैसे होगा, क्या एल्गो है लिखे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स। तो सीक्वेंस जो है इससे क्या होगा, इससे होगा सीक्वेंस है जो मेंटेन होगा, सीक्वेंस मेंटेन्ड बाय दिस स्टेप। ए स्टेप से क्या है, ए स्टेप से क्या है, सीक्वेंस फाइनाइट स्टेप्स तो है लेकिन पर्टिकुलर सीक्वेंस में होना चाहिए, मतलब कि फ्लो ऑफ कंट्रोल ट्रांसफर जो कंट्रोल है, जो फ्लो ऑफ कंट्रोल का जो ट्रांसफर का ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। यहां पर पहले ये स्टेप करेंगे उसके बाद ही ये स्टेप करना है। यहां देखो बैक एरो नहीं गया है ना, केवल इस डायरेक्शन में एरो आया है, तो जिस डायरेक्शन में एरो आया उस डायरेक्शन में ही फ्लो जाएगा। समझ रहे हो बात, मतलब कि सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए ये काम किया जा रहा है फ्लो चार्ट कंस्ट्रक्शन में, फ्लो चार्ट में। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फोर्थ स्टेप में है, फोर्थ स्टेप में है टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या करेगा भाई, तो जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है उस इनपुट आउटपुट के मैपिंग को टेस्ट करेंगे कि इनपुट आउटपुट का मैपिंग सही है या नहीं है। मतलब कि यहां टेस्टिंग में क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम डेफिनेशन इनपुट आउटपुट मैपिंग टेस्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो काम प्रॉब्लम डेफिनेशन जो इनपुट आउटपुट का मैपिंग है उसको टेस्ट किया गया है टेस्टिंग में, मतलब कि जो काम करने के लिए एल्गो लिखे हैं वो काम हो भी रहा है कि नहीं। टेस्टिंग का पर्पस यही है कि जो काम करने के लिए हम ये एल्गो बनाए थे वो काम सच में हो रहा है कि नहीं, या फिर बनाए हैं कुछ काम के लिए हो नहीं रहा होगा, कुछ और काम ही हो रहा है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि हम जो काम के लिए बनाए हैं वो एग्जैक्टली फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो काम थोड़ा भी चेंजिंग नहीं। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन में हर चीज मेंशन था, क्या क्या काम करवाना है, इनपुट आउटपुट का मतलब है क्या का क्या क्या काम कैसे कैसे क्या सीक्वेंस ऑर्डर में हम लोग को करवाना है। तो इसके लिए यहां पर एक बार टेस्टिंग करेंगे कि जो काम करने के लिए हम लोग एल्गो डिजाइन किए हैं वो एक्चुअल में काम हो भी रहा है या नहीं। अब टेस्टिंग जब कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद में होगा इम्प्लीमेंटेशन, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जो लिखा हुआ चीज है। अब टेस्टिंग में तो सही है भाई, जो काम के लिखे हैं वो काम कर रहा है, टेस्ट कर लिए हम लोग प्रॉब्लम डेफिनेशन को देखकर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कोडिंग, कोडिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करना, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करना इम्प्लीमेंटेशन का मतलब यही है कि इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डिजायर्ड है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिसाइड कौन करेगा, हम लोग डिसाइड करेंगे कौन हम लोग के लिए बेस्ट सुटेबल लैंग्वेज है। हर एक स्टेप्स को देख लो कि प्रॉब्लम डेफिनेशन में क्या होता है, डिजाइनिंग का मतलब क्या है,
फ्लो चार्ट कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, टेस्टिंग में क्या हुआ, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो रहा है, अब इसके बाद में क्या होगा, सबसे लास्ट में आएगा एनालिसिस, कि जो हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, एनालिसिस करेंगे। क्या एनालिसिस करेंगे, याद करो थोड़ा देर पहले बताए थे कि एनालिसिस क्या करते हैं, टाइम और स्पेस के बारे में एनालिसिस करते हैं, कि टाइम और स्पेस कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है। तो फाइव के बाद में सिक्स स्टेप को यहां लिखते हैं ऊपर में, या फिर चलो यहां लिखते हैं, यहां पर देखो ये ऊपर करके लिख दे क्या लो, यहां लिख देते हैं एनालिसिस, टाइम एंड देखो स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, स्टेप फाइव, स्टेप सिक्स है जो यहां लिखे हैं, ठीक सिक्स है, सिक्स को यहां लिखे, यहां मान लो दिखता नहीं इसलिए, स्पेस सिक्स है जो सिक्स स्टेप क्या है, एनालिसिस टाइम एंड स्पेस, टाइम और स्पेस क्या है, एनालिसिस करना। तो यही है एल्गोरिथम को कंस्ट्रक्ट करने का स्टेप्स। अब एनालिसिस में क्या हुआ, टाइम स्पेस को, टाइम कम लग रहा है ज्यादा लग रहा है, ये सब चीज को देखना, टाइम कितना कम लगता है, कैसे कम लगता है, किसको कम बोलते हैं, किसको ज्यादा बोलते हैं, ये अभी देखेंगे हम लोग, लेकिन बस अभी जानो कि एनालिसिस का मतलब क्या है। तो ये एक चीज यहां ऑब्जर्व करो कि सिक्स स्टेप और जो डिजाइनिंग एलो का स्टेप्स है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट एल्गोरिथम, ये दोनों स्टेप जो है कौन कौन, टू एंड सिक्स, ये दोनों स्टेप्स है जो सीएस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का काम है, सेकेंड और सिक्स स्टेप को परफॉर्म करना किसी भी आईटी इंडस्ट्री में। कौन कौन है भाई, तो डिजाइनिंग एल्गो मतलब कि सिलेक्शन ऑफ बेस्ट एल्गोरिथम, कौन सा एल्गो बेस्ट होगा सिलेक्शन के लिए, आईटी सीएस का इंजीनियर ही कर सकता है, क्यों, क्योंकि सिलेक्शन करना है बेस्ट, बेस्ट के लिए एनालिसिस करना है, एनालिसिस है सिक्स्थ स्टेप में, मतलब कि डिजाइन और एनालिसिस दोनों ही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट ही करेगा। मतलब क्या है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गेट के रेस्पेक्ट से नहीं, इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट से अगर सीएस आईटी ब्रांच है तो ये आना ही आना चाहिए, वो किसी भी कंपनी में रिक्वायर्ड होगा, इसलिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है तुम लोग के लिए भी कि पूरा जो सिलेबस है जितना भी गेट के लिए हम पढ़ाने वाले हैं उसमें से सबसे बेहतर तरीके से एल्गोरिथम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ, कहीं भी कॉलेज कैंपसिंग का प्लेसमेंट हो या फिर कहीं ऑफ कैंपस हो, कहीं भी जा रहे हैं, एल्गोरिथम आता है सीधा सिलेक्ट हो गए, कोई ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। यहां पर क्या देख लिए, स्टेप टू कंस्ट्रक्ट एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम के लिए देख ही लिए क्या क्या स्टेप है और क्या फैक्टर पर डिसाइड करेंगे एनालिसिस में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और टाइम और स्पेस क्या है और कैसे होगा, किसको कम बोलते हैं, किसको ज्यादा बोलते हैं, वो भी अभी देखेंगे हम लोग। तो करना कुछ नहीं है, जो भी वर्ड आए, कुछ नया वर्ड आ जाए कभी, उसको समझते चलना है अच्छे तरीके से। तो टाइम का मतलब क्या होगा, सिंपल सोचो, टाइम का जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, प्रोग्राम क्या होता है,
इतना तो जानते हो ही, प्रोग्राम लिखते हैं तो कंपाइल नाम का एक वर्ड आता है, कंपाइलर। बचपन से ही पढ़ते आए हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर। बचपन में कंप्यूटर सब्जेक्ट में हुआ करता था ये। तो कंपाइलर जो आता है वो काम क्या करता है, कंपाइल करता है पूरे प्रोग्राम को। तो कंपाइल अगर कर रहा है पूरे प्रोग्राम को, कंपाइल मतलब क्या है, जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, जिससे कि मशीन समझ जाए, सिस्टम समझ जाए हम लोग के बात को। मान लो हम लोग लिखे हैं क्या, सी में कोई प्रोग्राम लिख दिए, सी प्लस प्लस में लिखे, जावा में लिखे, कोई भी लैंग्वेज में, पाइथन कुछ भी में लिखे, तो कंप्यूटर को तो नहीं पता है ना, कंप्यूटर का एक अपना लैंग्वेज है। तो हम लोग के लैंग्वेज से सिस्टम के फ्रेंडली लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा कौन, ये जो कन्वर्सन होगा ये कौन करेगा, कंपाइलर ही करेगा। मतलब कि ये काम करने के लिए कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें टाइम जीरो लगे, जीरो टाइम नहीं लगता है, जान लो नियर अबाउट जीरो हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। तो कुछ ना कुछ टाइम जब लगेगा तो मतलब कि अगर टाइम के रेफरेंस से हम लोग देखते हैं, अगर टाइम के रेफरेंस से देखते हैं तो किसी प्रॉब्लम में अगर टीपी टाइम लग रहा है, पी प्रॉब्लम में, पी प्रोग्राम मान लो है, अगर टीपी टाइम लग रहा है तो क्या क्या टाइम इसमें होगा, एक रहा होगा कंपाइल टाइम, एक होगा कंपाइल टाइम प्लस दूसरा होगा रन टाइम। पी प्रोग्राम के लिए ही देखो, यहाँ भी पी के लिए ही टोटल टाइम निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, कुछ कंपाइल टाइम होगा, कुछ रन टाइम होगा। तो कंपाइल टाइम क्या बोले अभी, कि एक लैंग्वेज को जो हम लोग लिखे हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो कन्वर्ट कर रहा है तो कंपाइलर है क्या एक्चुअली, ये जो कंपाइलर है ये क्या है, ये भी तो लाइंस ऑफ कोड से या रूल्स बोल सकते हैं, ये भी तो लाइंस ऑफ कोड से या रूल्स है। मतलब कि ये भी तो किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। कंपाइलर जो है, जो कंपाइल कर रहा है, ये भी तो किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है कंपाइलर। जैसे मान लो सी का कंपाइलर है, सी लैंग्वेज का कंपाइलर अगर है, कंपाइलर है, हो सकता है सी में, हो सकता है किसी और लैंग्वेज में भी लिखा रहे, लिखा जा सकता है। तो इनिशियली सी लैंग्वेज का कंपाइलर किसी और लैंग्वेज में ही लिखा हुआ था, सी लैंग्वेज का कंपाइलर लिखा हुआ था अदर लैंग्वेज में, लेकिन बाद में इसको कन्वर्ट कर लिया गया सी लैंग्वेज में। इस कन्वर्सन को अदर लैंग्वेज से, कंपाइलर जो अदर लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको अपने लैंग्वेज सी लैंग्वेज में कन्वर्जन जो हुआ, इस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, इस कन्वर्जन को बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। ए वर्ड देखो कभी सुने होंगे, बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब यही है कि सी लैंग्वेज का कंपाइलर है जो कोई और लैंग्वेज में पहले लिखा हुआ था, बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया सी लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। चलो ये बात है, लेकिन अभी जानो कि एक प्रोग्राम के लिए टोटल टाइम जो कंज्यूम होता है वो टाइम दो तरह का टाइम होता है, एक होता है कंपाइल टाइम, एक होता है रन टाइम। कंपाइल टाइम का मतलब कितना टाइम में कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा, रन टाइम का मतलब कि कितना टाइम में ये रन करेगा। तो कंपाइलर जो कंपाइल कर रहा है तो कंपाइलर भी तो लाइंस ऑफ कोड सी ही है, कुछ रूल्स बनाया हुआ है, कुछ रूल्स लिखा हुआ है कंपाइल करने के लिए, लेकिन है तो लाइंस ऑफ कोड। तो अगर लाइंस ऑफ कोड है मतलब कि कुछ कोई लैंग्वेज में लिखा हुआ है कोड, मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड कर रहा है ना,
तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट कंपाइल टाइम है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा। और रन टाइम के लिए क्या बोल सकते हैं, रन कर रहा है कहां पर, रन करेगा कहां बताओ, प्रोसेसर में ना, तो प्रोसेसर में अगर रन कर रहा है तो प्रोसेसर का स्पीड से चेंज लाएगा। अगर अच्छा प्रोसेसर है, मान लो i3 पर काम कर रहे हैं, एक है जो i7 है, तो i3 का जो स्पीड होगा और i7 का स्पीड होगा, दोनों में डिफरेंस होगा, i7 का स्पीड ज्यादा होगा, i9 का स्पीड और ज्यादा होगा। मतलब कि प्रोसेसर के स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, प्रोसेसर की क्वालिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो रन टाइम है जो प्रोसेसर के स्पीड पर प्रोसेसर डिपेंडेंट है। दो चीज देखो, टोटल टाइम में कंपाइल का टाइम लगा, एक रन टाइम लगा। रन टाइम क्या हो गया, रन टाइम हो गया हार्डवेयर डिपेंडेंट, मतलब कि प्रोसेसर है, प्रोसेसर क्या है, हार्डवेयर है, मतलब हार्डवेयर पर डिपेंड कर रहा है, मतलब हार्डवेयर चेंज करेंगे टाइम का वैल्यू चेंज होगा, मतलब सिस्टम टू सिस्टम हार्डवेयर तो चेंज होगा, इसका मतलब कि सिस्टम टू सिस्टम टाइम भी चेंज होगा। तो अगर हम लोग टाइम का एनालिसिस कर रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना चाह रहे हैं, तो अगर हर एक सिस्टम में चेंज होगा, तो मेरा सिस्टम है इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ और आ जाए, और मेरे दोस्त का सिस्टम है उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर डिफरेंट आए, तो इतना सारा सिस्टम के लिए एनालिसिस करना भी तो टफ है, समझ रहे हो बात को। इसलिए एनालिसिस को दो पार्ट में देखेंगे, दो तरीके से एनालिसिस करेंगे। एक एनालिसिस ऐसा करेंगे जिसमें कि ना तो प्रोग्रामिंग, जो कंपाइलर का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इस पर डिपेंडेंट रहे, और ना ही हार्डवेयर पर डिपेंडेंट रहे, प्रोसेसर, तो हार्डवेयर मतलब प्रोसेसर, मतलब कि हार्डवेयर और कंपाइलर का प्रोग्रामिंग पर डिपेंडेंट ना हो, एक ऐसा भी एनालिसिस करेंगे, और एक एनालिसिस होगा जो ये दोनों पर डिपेंडेंट होगा। तो यहां लिख देते हैं, टाइम के लिए जो हम कर रहे हैं, यहां लिखते हैं क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। इसमें एक है ए प्रायरी एनालिसिस और दूसरा है पोस्टेरी एनालिसिस। एक है प्रायरी एनालिसिस, दूसरा है पोस्टेरी एनालिसिस, सेपरेट करने के लिए। अच्छा, नंबर नहीं दो, जो 1-2 ऐसे डिफाइन नहीं करे, ये तो समझ गए ना, एक कंपाइलर कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड रहता है और रन टाइम प्रोसेसर पर डिपेंडेंट होता है। अब इसको हटाते हैं, तो ये दोनों पर जो डिपेंडेंट होता है ना, कंपाइलर पर और हार्डवेयर पर जो रन टाइम देखते हैं, ये हम लोग देखते हैं पोस्टेरी एनालिसिस में। और जो डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट वाला जो होगा जो पोस्टेरी एनालिसिस में देखेंगे, और इंडिपेंडेंट होगा जो प्रायरी में देखेंगे। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का यही है जो प्रायरी एनालिसिस में इंडिपेंडेंट देखेंगे। अब याद रखने के लिए कैसे करेंगे, तो याद रखने के लिए यहां पर एक वर्ड देखो, पोस्ट है ना, इस वर्ड को देखो, पोस्ट है ना, पोस्ट का मतलब बाद में, यहां पर प्री है, प्री का मतलब पहले,
तो कंपाइलर और हार्डवेयर ये दोनों के पहले ही जो एनालिसिस हो जाएगा, बिना कंपाइलर और हार्डवेयर को देखे हुए जो एनालिसिस हो जाए वो क्या है, ए प्राइमरी एनालिसिस है। और ये दोनों के देखने के बाद, मतलब कि कंपाइलर को देखिए, मतलब कंपाइलर के लैंग्वेज को देख लिए कोडिंग जो है, और रन टाइम के लिए प्रोसेसर को देखिए, मतलब हार्डवेयर को देख रहे हैं, ये दोनों को देख कर इसके अकॉर्डिंग जो एनालिसिस होगा वो है पोस्टर एनालिसिस। पोस्ट मतलब कि बाद में, प्री मतलब कि पहले। तो याद रखने के लिए कैसे करना, पोस्ट मतलब बाद में, मतलब कि ये सब कंपाइलर और हार्डवेयर को देखने के बाद जो एनालिसिस होगा जो पोस्टर ही होगा, और ये दोनों देखने के पहले जो एनालिसिस होगा जो एप्रायरी होगा। चलो ये बात हम लोग समझ गए, लेकिन एनालिसिस होगा किस तरीके का सोचो एक बार। क्या अच्छा एक जगह हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हम लोग कंपाइलर और हार्डवेयर को देखेंगे ही नहीं और एनालिसिस करेंगे, एक जगह बोल रहे हैं क्या कि कंपाइलर और हार्डवेयर को दोनों को ही देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस होगा, तो ज्यादा एक्यूरेट कौन रहेगा बताओ, ज्यादा एक्यूरेट कौन होगा। सिंपल जानो कि अगर ड्रेस खरीदना है, शर्ट पैंट लेना है अगर किसी आदमी का, वो आदमी गया है शर्ट पैंट को देखकर ट्रायल रूम में ट्रायल किया उसके बाद लिया, उसका जो फिटिंग होगा कपड़ा का, एक बिना ट्राई किए घर बैठे ही ऑनलाइन देखकर ले लिया है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, जो पहनकर देखा है उसका ज्यादा एक्यूरेसी है ना, क्योंकि वो देखा है एक्चुअली, समझ रहे हो बात। तो इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या क्या दोनों में डिफरेंस है, ठीक, डिफरेंशिएट करेंगे प्राइमरी एनालिसिस और पोस्टेरी में। इसमें सबसे पहले क्या था, क्या लिखेंगे, हार्डवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसका, कंपाइलर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात हम कर रहे हैं, हार्डवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ कंपाइलर इंडिपेंडेंट, मतलब कि हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट रहे उसको एप्रायरी एनालिसिस बोलेंगे। और यहां पर क्या है, यहां पर हार्डवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहां भी कंपाइलर कर लो, कंपाइलर का ही देख रहे हैं, मतलब कि हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग कंपाइलर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड जो कर रहा है पोस्टर एनालिसिस है, और हार्डवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर जो इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा है, वो है अप्रायरी एनालिसिस। इसका मतलब क्या हो गया, जो अगर हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं देखे हैं, एक जगह बोल रहा है कि हम दोनों देख कर बता रहे हैं कितना टाइम लगेगा, तो जो देख कर बता रहा है वो ज्यादा एक्यूरेट है ना, ज्यादा एक्यूरेट है ना, और जो बिना देखे बता रहा है वो थोड़ा सा तो अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ है, मतलब क्या हो गया, ये क्या है, ये है अप्रोक्स एनालिसिस, ये क्या है एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एनालिसिस। एक हो गया अप्रोक्स और दूसरा क्या है एब्सोल्यूट, एग्जैक्टली एग्जैक्ट सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा, पोस्टर एनालिसिस चेंज नहीं होगा किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जो है, जो एग्जैक्टली फिक्स है, ये क्या है जनरलाइज है, सब सिस्टम के लिए बात कर रहा है, ये सब सिस्टम के लिए बात कर रहा है एक साथ में, क्यों, क्योंकि सिस्टम को देखे बिना ये बताया हुआ है, ये क्या देख रहा है, एक कोड को देख रहा है,
जो प्रॉब्लम एल्गोरिथम हम लोग का है, जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम को देखकर बता रहा है, सिस्टम को नहीं देखा है अभी तक। सब सिस्टम के लिए कॉमन एक तरह का आएगा, वो सिस्टम टू सिस्टम अलग अलग सिस्टम में वेरी करेगा, लेकिन एक सिस्टम के लिए फिक्स होगा क्योंकि उसके लिए ज्यादा एक्यूरेट होगा। किसी पर्टिकुलर सिस्टम का अगर बात कर रहे हैं तब इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, सेम रहेगा, सेम एवरीवेयर, ए ये क्या है, चेंजेज सिस्टम टू सिस्टम, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज हो जाएगा, पोस्टरी एनालिसिस है जो चेंज होगा, लेकिन ये क्या है, हमेशा ही सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम को देखा ही नहीं है, ये तो प्रोग्राम को देखकर बता रहा है केवल, तो प्रोग्राम तो चेंज नहीं हुआ है ना। सिस्टम का ना कंपाइलर का लैंग्वेज रहे या फिर हार्डवेयर रहे चेंज हो रहा है, ये तो चेंजिंग नहीं हुआ है प्रोग्राम, क्योंकि सेम प्रोग्राम के लिए हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद क्या है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट को अप्रोक्स एनालिसिस वाली, इसको बोल सकते हैं क्या, रिलेटिव रिलेटिव एनालिसिस, मतलब क्या है कि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को रिलेट कर रहा है, किसका ज्यादा लगेगा टाइम, किसका कम टाइम लगेगा, एग्जैक्टली नहीं बता रहा है कि इतना ही टाइम लगेगा, एक अप्रोक्सीमेशन है, देखो अप्रोक्स एनालिसिस है या रिलेटिव एनालिसिस है, एक दूसरे से कंपेयर करके बताया जा रहा है, एग्जैक्टली नहीं है किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर लिख दिए इतना टाइम लगेगा तो कहीं भी रन करवाओ, ये सिस्टम में रन करवाओ इतना ही टाइम लगेगा, नहीं, ये जनरलाइज है। एप्रायरी का मतलब है, सिंपल जानो, जनरलाइज बोल रहे हैं, ये है जो सिस्टम डिपेंडेंट है। यहां पर है पोस्टेरी में क्या है, सिस्टम है, यहां पर क्या है, सिस्टम ज्यादा पावरफुल है, सिस्टम अच्छा है उस पर डिपेंड कर रहा है, यहां पर सिस्टम नहीं डिपेंड कर रहा है, यहां पर सिस्टम नहीं डिपेंड कर रहा है केवल, यहां पर कौन डिपेंड कर रहा है, मैन पावर का मतलब क्या है, अगर अच्छा है वो लिखा है तो अच्छा होगा, ये यहां पर क्या है कि सिस्टम पर डिपेंड कर रहा है, तो ज्यादा बेटर कौन है, एप्रायरी है, सिस्टम पर नहीं देख रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं, किसी भी जगह लेकर जाओ तो ये बदलेगा नहीं कभी, वो क्या है, सिस्टम टू सिस्टम चेंज हो जाएगा, और कुछ नहीं है। इसको एग्जैक्ट भी बोल सकते हैं, अप्रोक्स यहां है, अप्रोक्स की जगह पर तो हम लोग देखेंगे, हम लोग को सब जितना भी दुनिया में सिस्टम है, सब सिस्टम के बारे में जानकारी है क्या, सब सिस्टम के लिए इंडिविजुअली करेंगे क्या, तो सब सिस्टम के लिए इंडिविजुअली हम लोग नहीं करेंगे एनालिसिस, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो यहाँ पर एनालिसिस पार्ट था जिसमें बताए थे कि टाइम एंड स्पेस एनालिसिस जो करने वाले हैं, जो हम लोग करेंगे एप्रायरी एनालिसिस के लिए ही, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है सब सिस्टम के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करेंगे अलग अलग एल्गोरिथम में, देखेंगे कि टाइम का एनालिसिस होता कैसे है, समझ रहे हो, आराम से हर चीज को समझते जाना है, जो भी वर्ड बोले जितना भी चीज बताएं हर एक चीज को आराम से समझना, कोई टफ नहीं है, आसान नहीं है, बस समझना है, लेकिन
ओके okay, एक बार इस तरीके से समझ लो, फिर कभी दिमाग से वो चीज स्किप ना हो। अच्छा एक और चीज जान लो, जो यहां पर बहुत का डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है प्राइमरी में, जो यहां पर डिजाइन कर रहा है यहां पर बहुत का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, लेकिन यहां पर सिस्टम के अकॉर्डिंग है बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हो सकता है। जैसे क्या, मान लो एक एरे है, वहां पर बहुत सारा नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत सारा एन नंबर है, एन नंबर है। तो अगर यहां पर सर्च करेंगे किसी एक नंबर को ढूंढने जाएंगे, अगर किसी एक नंबर को ढूंढने जाएंगे यहां पर कितना टाइम लगेगा, तो सर्च में कितना टाइम लगेगा, एक केस क्या है तो नंबर सबसे लास्ट वाला है, तो यहां से देख रहे हैं, इसको देखे इसको देखे इसको देखे, मिल नहीं रहा मिल नहीं रहा, लास्ट में यहां मिला, मतलब कि सर्चिंग टाइम कितना हो गया, एन हो गया, सबसे लास्ट में मिला है। एक और केस क्या है कि पहला में ही मिल गया, तो सर्चिंग टाइम कितना हुआ, वन हो गया, तो एन सबसे लास्ट में मिला, सबसे वर्स्ट केस है, सबसे खराब सिचुएशन है, तो लास्ट में मिलेगा, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे वर्स्ट केस, इसको वर्स्ट केस लिखेंगे, कि सबसे खराब वर्स्ट केस में सबसे लास्ट में यहां पर मिलेगा, और सबसे पहला में ही मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेस्ट केस। और एक और है कि चलो वर्स्ट केस में एन लग रहा है, बेस्ट केस में वन लग रहा है, तो एवरेज केस मान लो आधा नंबर जब सर्च किए तो आधा जाते जाते ही अपना नंबर मिल गया, तो आधा जाते जाते अगर नंबर मिल गया मतलब कितना, एन बाई टू, ए क्या हो गया, ए हो गया एवरेज केस। तो ये किसके लिए सर्चिंग हुआ है, किसके अकॉर्डिंग, इसको बोलते हैं लीनियर सर्च, लीनियर सर्च बोलते हैं ये सर्चिंग टेक्निक, क्या है लीनियर सर्च, लीनियरली यहां यहां ऐसे देखते गए। एक और सर्चिंग टेक्निक टेक्निक होता है जिसको बोलते हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या होगा कि इन टाइम जो वर्स्ट केस लग रहा था अब यहां पर लगेगा कितना, लॉग इन टाइम लगेगा। तो सर्च क्या है बताएंगे, यही तो पढ़ना है यहां पर, एल्गो में हर चीज बताएंगे कौन सा एल्गो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि एल्गो जब बता देंगे कि ऐसा ऐसा एल्गो है तभी ना डिजाइनिंग पार्ट में सिलेक्ट करोगे कि बेस्ट कौन है, तो बताएंगे ही, ये सब्जेक्ट यही है, इसमें हर एल्गो को बताएंगे कि ऐसा 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 एल्गो है, अपने काम के लिए जो बेस्ट सुटेबल एल्गो है उसको चूज करो। जितना भी एल्गो है सर्चिंग टेक्निक है इसको सर्च करना बोलते हैं, सर्चिंग टेक्निक रहता है, बहुत सारा एल्गो है सबको बताएंगे, लेकिन चेंज हुआ ना, देखो वर्स्ट केस एन था, एन से लॉग इन हो गया ना, तो क्या है लिनियर सर्च के लिए भी कोड ही लिखना पड़ा है, बाइनरी सर्च के लिए भी कोड ही लिखना पड़ा है, दोनों में मशीन का कहीं बात किए हैं क्या, हार्डवेयर का बात किए हैं क्या, मतलब कि पोस्टर एनालिसिस नहीं है, हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंपाइलर का है बात ही नहीं किए हैं, हम लोग जनरलाइज केस में ही इतना का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, एन से लॉग इन हो रहा है, इसलिए प्राइमरी एनालिसिस हम लोग देखेंगे, पोस्टर एनालिसिस का सिस्टम टू सिस्टम हम लोग नहीं देखेंगे, प्राइमरी क्या है सब सिस्टम के लिए सेम रहेगा, सब जगह सेम रहेगा, इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए हम लोग बहुत सारा कोड को लिखेंगे और एनालाइज करेंगे कि कौन से कोड को इम्प्लीमेंट होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, किस में कम टाइम लग रहा है, उसके टाइम को देखेंगे। तो बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस का एग्जांपल अब देखना है हम लोग को प्राइमरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग।
इतना तक समझ लो, एक एक वर्ड वर्ड समझना, हर एक वर्ड को समझना जो कुछ भी बोला हुआ है। अभी एग्जाम्पल बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से क्लैरिटी आएगा कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं, कैसे टाइम देख रहे हैं हम लोग, और बहुत आराम से बताएंगे, बहुत आराम से बताएंगे, भूलोगे नहीं कभी, इसका टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी इसको देख लो, नेक्स्ट क्लास में बताते हैं।